हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अरबी की सूखी चटपटी और झटपट से बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम के करीब अरबी लिया है। हाथ पे थोड़ा सा सरसों का तेल अच्छे से लगा लें। तो इसको खुरचने पे कई लोगों को हाथ में खुजली होती है, इचिंग होती है, तो वो नहीं होगी। और इस तरह से आपको इसको छील लेना है। आप चाहे तो पीलर से छील सकते हैं, पर इस तरह से भी छीलने से आराम से ये ऊपर का जो छिलका है इसका निकल जाता है। ऊपर और नीचे का पोर्शन थोड़ा सा कट कर देंगे। और इस तरह से आप जैसे गोल गोल काटना चाहें या लंबा काटना चाहें, इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छे से धो लेंगे और छन्नी पे निकाल लेंगे। चलिए इसे साइड में रखते हैं और छौंक लेते हैं। इसे पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो सरसों के तेल में बनाए तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर आप अगर नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है, ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अरबी में कई बार गैस की प्रॉब्लम होती है, तो अजवाइन डालने से ऐसा नहीं होगा। साथ ही ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हींग और डाल देंगे अरबी जो भी हमने काट के रखा था। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम लो फ्लेम पर ढक के पकाएँगे। अभी नमक मसाले कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी स्टेज पे आपको ढक्कन को लगाना है और लगा के पकाना है। तो ये अपना मॉइस्चर छोड़ेगी और जिससे ये गल जाएगी। तो लगभग 70% जब तक कुक नहीं हो जाता है, तब तक इसको आपको इसी तरह से फ्राई करते जाना है। और अभी नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो लो फ्लेम पे इसे पकाया है और देखिए यहाँ पे इसके कलर जो है थोड़ा चढ़ने लग गया है, बाहर से थोड़ा क्रिस्प होने लग गया है। ऐड कर देंगे इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्च। कूटा हुआ लाल मिर्च नहीं है तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और बिल्कुल ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 5 मिनट और पक गई है अरबी, पर अभी भी ये थोड़ी सी कसर है इसमें। तो इसमें मैं हाथ हाथ से इस तरह से थोड़ा सा पानी का छींटा डालूंगी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब पानी इसमें ऐड किया है और फिर ढक्कन को लगा के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है। तो आमचूर पाउडर इसलिए भी डालना है क्योंकि कई बार ये मुंह में पकड़ता है, तो ऐसा नहीं हो, मुँह में इचिंग नहीं हो, इसलिए अरबी बनाने में कोई ना कोई खटाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। और लीजिए, ये अरबी की शानदार सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए ये अच्छे से कुक हो गई है। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती और ये अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसे आप लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहती है। बाद में भी सर्व करते वक्त आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, ये इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।